सभी तीर्थों का भांजा कहे जाने वाले तीर्थराज मंचकुंड के लक्खी मेले में आज लाखों श्रद्धालुओं ने मंचकुंड सरोवर में डुबकी लगाई। देव छठ के इस मौके पर 5 किलोमीटर की सड़क पर दूर दूर तक लाखों लोगों और श्रद्धालुओं का उमड़ा था सैलाब। प्रतिवर्ष देव छठ के मौके पर लगने वाले मंचकुंड के लक्खी मेले की मान्यता है कि देवासुर संग्राम के बाद जब राक्षस काल्य यवन के अत्याचार बढ़ने लगे तब लीलाधर श्री कृष्ण ने काल्य वन को युद्ध के लिए ललकारा, जिस युद्ध में लीलाधर को भी हार का मुंह देखना पड़ा था। तब लीलाधर ने छल से मंचकुंड महाराज के जरिए कल्यावन का वध कराया था, जिसके बाद कल्यावन के अत्याचारों से पीड़ित ब्रजवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई थी, जिसके बाद से ही आज तक मंचकुंड महाराज की तपोभूमि मंचकुंड में सभी लोग देव छठ के मौके पर स्नान करते आ रहे हैं, जहां इन नवविवाहित जोड़ों के सहरे की कलगी के सरोवर में विसर्जित कर उनके जीवन की मंगल कामना की जाती है। ऋषि पंचमी से शुरू हुई इस मेले में राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ दूसरे प्रांतों के लाखों श्रद्धालु मंचकुंड सरोवर में स्नान करने के लिए आते हैं। मान्यता है कि जो श्रद्धालु चार धाम की यात्रा करता है उसकी तीर्थ यात्रा तब तक सफल नहीं होती जब तक वो साल में एक बार पड़ने वाले देव छठ पर तीर्थ रात मंचकुंड में डुबकी नहीं लगा लेता। मेले में राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ दूसरे प्रांतों से लोग आते हैं। मानसरोवर में स्नान करने के बाद अजमेर शरीफ के भांजे बाबा शाह अब्दुल्ला शाह की मजार पर पहुंचते हैं, जहां सभी धर्मों के लोगों के साथ बाबा के उर्स में शामिल होकर उनसे भी अपनी मनोती मांगते हैं। मेरा नाम श्रीमती सर्वेश तोमर है, मैं मुरैना से आई हूं और हम यहां पर मौसराने आए हैं क्योंकि अपनी लड़की की शादी हुई थी और यहां पर हमें देखने में बहुत अच्छा लगा था और मतलब यहां पर खूब लंबी बाढ़ है, बहुत ज़्यादा इसकी प्रशंसा हो रही है और यहाँ पे मेला भी लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, बहुत अच्छा लगता है। आज के मेले में काफ़ी भीड़ भाड़ काफ़ी है और हमने हर जगह व्यवस्थाएँ माफूल व्यवस्थाएँ पुलिस की व्यवस्था और गोताखोर भी लगाए हुए हैं, यहाँ पे सफाई की व्यवस्था भी है, मदद परिषद के सफाई कर्मचारी है वो सफाई भी कर रहे हैं साथ साथ में और पूरा पुलिस का व्यवस्था है, होटल का जो मूवमेंट है वो बिल्कुल कंट्रोल में एक तरीके से आ रहे हैं, यहाँ से उसको अलाउ नहीं कर रहा कंट्रोल रूम और हर चीज़ भी यहाँ से देख रहे हैं। अंदर एक कैमरे लगे हुए हैं, कंटिन्यूसली हम वॉच कर रहे हैं, शांति व्यवस्था कायम है, सब चीज़ें ऐसे जो भी चल रहा है किसी प्रकार की दिक्कत नहीं चल रही। खालसा भाई आज ये मेला जो का मेले पे बहुत भीड़ होती है, जो सारे लोग यहाँ मेले में आते हैं यूपी से, एमपी से और बहुत दूर दूर से लोग सारे आते हैं और पूरी भीड़ रहती है। गुरुद्वारे में सुबह से 6 बजे अरदास, अरदास तो बाद फिर प्रसाद भोग, उस तो बाद भंडारा चलता है, भंडारे तो बाद हूँ मतलब जो है कि लोग दर्शन करते हैं तो प्रसाद सब दिन प्रसाद बढ़ता रहता है। ये सारी तो जो परंपरा है, पूरी जो भीड़ है ये सारी भीड़ मतलब कि मंचकुंड मेले में सारी जगह तो आती है, पूरे हिंदुस्तान के लोग। राजस्थान के धौलपुर से राम निवास की रिपोर्ट।